एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में 7 चैप्टर है, जिसमें से 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीपल फार्मूलाज तक। सब मल्टीपल फार्मूला जो है ना वो 7वां चैप्टर है, और सब मल्टीपल फार्मूला जो है वो मल्टीपल फार्मूला का ही एक्सटेंडेड रूप है। वही में फार्मूला जो है हाफ एंगल फार्मूला पे जाता है, इसलिए उसको सब मल्टीपल फार्मूला कहते हैं। तो इसमें कुछ नया फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला है, सिर्फ जो मल्टीपल फार्मूलाज में था सिर्फ हाफ एंगल फार्मूला से है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सब मल्टीपल फार्मूलाज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब मल्टीपल फार्मूलाज हम लोग थ्योरीज तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी फ्लुएंसी बनाने के लिए हम एक बार और आपको रिकॉल कर देते हैं। जैसे साइन ए है, टू साइन ए बटा टू इंटू कॉस ए बटा टू टू टेन ए बटा टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा टू कॉस ए टू कॉस स्क्वायर ए बटा टू माइनस वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू ठीक है। इसी चीज में हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ए टू साइन स्क्वायर ए बाई टू और वन प्लस कॉस ए टेन ए देखिए साइन ए तो मतलब 1/3 वाला फॉर्मूला से हो जाएगा 3 साइन ए बाई 3 tan a cot a ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताए थे 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए 1 प्लस कॉस ए ए बटा टू नोट कर लीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अब सबसे पहला बात है कि 18 डिग्री अगर हमको निकालना है तो हमको ये देखना है ना कि 18 को कैसे हम ऐसे वैल्यू के साथ कोरिलेट करें जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं थीटा बराबर 18 डिग्री, तो हमको लगता है 5 थीटा करेंगे ना तो पहली बार ये कोरिलेट होगा एक ऐसे एंगल से जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब इसको 3 थीटा 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, टेकिंग साइन both sides sin 3 theta
इधर कितना हो जाएगा, एक एक लाइन और लिख लीजिए, साइन थ्री थीटा माइनस को कॉस टू थीटा लिख लीजिए, या यू करें कॉस लगा लीजिए दोनों, कॉस। इससे फायदा क्या होगा ना, एंगल काटने में आपको मदद मिलेगा। ये वाला कॉस थ्री थीटा हो गया, ये वाला साइन टू थीटा हो जाएगा। इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, जैसे साइन लगाते हैं ना तो ये वाला साइन में टर्म में आ जाता है, फिर इसको काटने में आसानी नहीं होता, इसलिए हम ऐसा किए हैं। टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा कटने का चांसेस रहेगा, तो इसलिए ऐसा किए हैं। फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, चूंकि थीटा बराबर 18 तो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो नहीं है तब इसको काट सकते हैं, स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा माइनस वन। ये देखो, ए वोड इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। ये जो है ना, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग पढ़े हैं ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, तो वही हम लोग करेंगे। टू फोर माइनस वन, टू इंटू फोर, सोलह चार बीस, टू फाइव, टू इंटू फोर, ठीक है, ये आ गया। चूंकि 18 डिग्री 0 से 90 के बीच में है, तो साइन 18 पॉजिटिव होगा, तो साइन 18 का मान नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये नेगेटिव है। ऐसा स्थिति में साइन 18 का मान साइन 18 का मान रूट फाइव माइनस वन बटा फोर, नोट कर लीजिए इसको। साइन 18 डिग्री 18 डिग्री रूट फाइव माइनस वन बाई फोर है, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री कितना हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, कॉस 18 डिग्री माइनस दस प्लस टू रूट फाइव बटा फोर, ठीक है, ये होगा नहीं इसलिए कि ये नेगेटिव है, और 18 डिग्री जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए कॉस 18 डिग्री
ठीक है, नोट कर लीजिए। कॉस 36 डिग्री जो होगा उसको हम लोग 2 × 18 डिग्री लिख लेंगे। कॉस 36 √5 + 1/4 sin²36 बराबर कितना हो जाएगा 1 − cos²36 ठीक है, 36 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नोट कर लीजिए। sin 18 इज इक्वल टू cos 72 हो जाएगा, इसलिए के 72 को 90 − 18 लिख सकते, एक ए ही चीज हो जाएगा। ठीक है, sin 36 cos 54 ये हो जाएगा 10 − √5/4 sin 54 cos 36 और sin 72 cos 18 ये आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट यूज आएगा इसका। ठीक है, वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री 7.5। ठीक है, इसका मान हमको चाहिए 7.5, तो थीटा बराबर 7.5 यानी 15/2। ठीक है, 15 °/2 15/2 हो गया। ठीक है, थीटा बटा टू यानी थीटा बराबर 15 हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बटा टू ठीक है, आपको बताया थे ना 1 − cos θ / sin θ tan थीटा बटा टू, क्योंकि आप 1 − cos θ / sin θ अगर करते हैं तो 2 sin²θ/2 और 2 sin θ/2 × cos θ/2 कैंसिल होकर tan θ/2 हो जाता है। थीटा बराबर जैसे ही 15 °/2 पुट करते हैं तो 15/2 cos 15 cos 15 को 45 − 30 लिख सकते हैं, यानी cos 45 cos 30
साइन 45 साइन 30 साइन 15 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 45 माइनस 30 साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 इसको हम ये लिख सकते हैं ठीक है अब इसको रूट टू कैंसिल हो जाएगा माइनस रूट थ्री माइनस फोर बटा टू रूट सिक्स रूट थ्री टू प्लस रूट टू रूट थ्री के लिए टेन साढ़े सात डिग्री ये सब डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ये आप अपने से निकालिएगा ठीक है और हम आपको हिंट देते हैं कोट ए बाई टू हो जाता है वन प्लस कॉस ए बटा साइन इसको पुट कर लीजिएगा आपसे बन जाएगा अगर आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 82.5 डिग्री तो आपको इससे इस आंकड़े से घबराना नहीं चाहिए कॉट 82.5 डिग्री को हम कॉट 97.5 डिग्री यानी 10 ये लिख सकते हैं अभी आप निकाले ही थे उसी तरीके से सिमिलरली अगर tan 82.5 डिग्री डिस्कस करोगे ना तो ये हो जाएगा क्योंकि tan 82.5 को हम लोग 90 माइनस 7.5 लिख सकते हैं जो कि कॉट 7.5 हो जाएगा और आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा नोट कर लीजिए इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ 22 साइन 22.5
सारे 22 डिग्री का मान साइन में आपको निकालना है। तो हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ए का मान 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है, कॉस 22.5 डिग्री का मान हाफ 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में तो ये सब मेंशन भी नहीं है। कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस कॉस ए, ए का मान अगर 45 डिग्री वैल्यू भरते हैं तो 45 बटा 2 cos 45 2, नोट कीजिए, साइन 22.5 डिग्री हाफ 2 माइनस रूट 2, और कॉस 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा, हाफ 2 प्लस रूट 2। टेन ए बाई 2 ए बराबर 45 पुट कर दो, ठीक है, tan 22.5 root 2 minus 1 हो जाएगा। फिर से देखिए, cot a by 2 ठीक है, नोट लीजिए। आपको साबित करना है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटा 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बटा 2 LHS। Yeah.
पिछला चैप्टर वाला ही क्वेश्चन है। देखो 2 sin थीटा sin 2 थीटा का वैल्यू रख दिया 2 sin थीटा * cos थीटा, 2 sin थीटा दोनों में कॉमन कट गया, इसका फार्मूला था 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 2 cos स्क्वायर थीटा / 2। ओके, आपको साबित करना है cot थीटा / 2 - tan थीटा / 2 / 2 cot थीटा, ये साबित करना है। LHS cot थीटा / 2 और tan थीटा / 2, cot थीटा / 2 cot स्क्वायर थीटा / 2, LCM लीजिए, 2 से गुना, आपको ये पता होना चाहिए होगा, आपको साबित करना है 1 प्लस साइन थीटा / 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा / 2। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, साइन थीटा बराबर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको प्लस एंगल चाहिए, माइनस एंगल होता तो प्लस आ ही जाता, इसलिए ऐसा किया। LHS हो गया ठीक है, ये हाफ एंगल फार्मूला से 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा / 2, ये एंगल को आधा कर दिए, 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 इसका आधा पाई बाई 4 इसका आधा थीटा / 2 कैंसिल कर दिया, प्रूव्ड। साबित कीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा / 2, ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिमिट्स में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, हमको मालूम है ठीक है, ये हाफ एंगल फार्मूला ये दोनों मिल के क्या हो
हो जाएगा। आज हम लोग थोड़ा पहले ही आपको छोड़ देते हैं क्योंकि चैप्टर के थ्योरीज वगैरह तो हो चुके हैं और इसका क्वेश्चन जो है ना वो मल्टीपल फार्मूला से डायरेक्ट कोरिलेटेड है, तो आप सबसे पहले अपने स्तर से जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन फंसता भी है तब भी कोशिश कीजिए क्योंकि क्वेश्चन का फंसना जो है ना सीखने का एक हिस्सा है। क्वेश्चन अगर नहीं फंसेगा तो बहुत सारे पहलुओं पर टिप्पणी नहीं हो पाएगा और आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट नहीं सीख पाएंगे जो कि जरूरी है। तो इसलिए जितना क्वेश्चन का बनना जरूरी है उतना फंसना भी जरूरी है क्वेश्चन सीखने के लिए। और आप अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे तो वो फंसेगा, हल्का फुल्का क्वेश्चन बनाएंगे तब तो बनता चला जाएगा लेकिन वो फेक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन अच्छे क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आप क्वेश्चंस के बहुत सारे लेयर सीखिएगा क्योंकि 3-4-5 मल्टीपल लेयर रहता है, तो धीरे धीरे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशंस के क्वेश्चंस बनाना सीखिएगा। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप जाकर के अपने स्तर से क्वेश्चन कोशिश करें। और ये 7 चैप्टर एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री है, इस ये खत्म होने के बाद फिर आपको लॉगरिथम बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको।